तो वही तारक मेहता का उल्टा चश्मा में सुंदर को वापस बुलाने के लिए मेहता साहब और जेठालाल एक नाटक रचते हैं, लेकिन ये नाटक उल्टा उन्हीं पर भारी पड़ जाता है। हेलो गाइज, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं समग्राम। मेहता साहब जेठालाल को एक आइडिया देते हैं कि वो दूसरी शादी का नाटक रच ले अपनी, और उसमें भिड़े को भी शामिल कर लेते हैं मेहता साहब। ये बात चंपक चाचा को पता चल जाती है, तो चंपक चाचा डंडा लेकर जेठालाल को मारने के लिए जेठालाल के पीछे पीछे दौड़ते हैं। फिर तो जैसे ही मेहता साहब जेठालाल को फोन करते हैं, तो चंपक चाचा फोन छुड़ाकर जोर से मेहता साहब और भिड़े को डांटने लगते हैं और घर बुलाते हैं। फिर जैसे ही मेहता साहब और भिड़े जेठालाल के घर आते हैं, तो चंपक चाचा आग बबूला होकर मेहता साहब और भिड़े पर बरसते हैं। तभी मेहता साहब बताते हैं कि वो जो भी कर रहे थे उन्होंने नाटक किया था, ताकि जेठालाल ये जान सके कि दया भाभी गूगल धाम में कब आ रही हैं। ये सुनकर कहीं चंपक चाचा का गुस्सा थोड़ा शांत होता है। वहां पर पोपटलाल, अंजलि भाभी और माधवी भाभी भी मौजूद रहते हैं। सुंदर बताता है कि उसको मेहता साहब के नाटक के बारे में पहले ही पता चल गया था, फिर उसने भी मजाक करने का प्लान बनाया। फिर मेहता साहब बोलते हैं कि अब तो तुम्हें पता चल गया है कि हम लोगों नाटक क्यों कर रहे थे, तो अब तो बताओ कि दया भाभी गूगल नाम में कब आ रही हैं। तो फिर सुंदर दया भाभी की कसम खाकर बताता है कि इस दिवाली पर दया भाभी वापस आ रही हैं। तो ये सुनने के बाद जेठालाल और गूगल धाम वालों में खुशी का ठिकाना नहीं होता है। ये सुनकर जेठालाल बहुत खुश हो जाता है और थोड़ा भावुक भी हो जाता है। अब बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सच में दया भाभी आ रही हैं या फिर कोई ड्रामेबाजी मेकर्स फिर से कर रहे हैं। अगर आती हैं तो कोई नई एक्ट्रेस आएंगी या फिर दिशा वकानी ही दया भाभी का रोल प्ले करने के लिए वापस आने वाली हैं। अब ये तो दिवाली के समय ही पता चलेगा, अब देखते हैं आगे क्या होता है। वैसे अब आगे दिखाया जाएगा कि जेठालाल और अय्यर भाई के बीच एक शर्त लग जाती है, जिसमें उसे गैस करना होगा कि आखिर अय्यर भाई क्या गोकुलधाम वाले को सरप्राइज देने वाले हैं। अगर जेठालाल ये शर्त जीतता है तो अय्यर भाई को 3 बार झुककर जेठालाल को सलाम करना पड़ेगा, या फिर अय्यर भाई जीतते हैं तो फिर उल्टा जेठालाल को अय्यर भाई को 3 बार झुककर सलाम करना पड़ेगा। तो गाइस, आगे की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग समग्राम।